नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है राज आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्सियम। और आज हम आपके लिए लेकर के आए इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूस बॉडी या एक मैसिव बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कूलम्ब लॉ में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था समझना कूलम्ब लॉ क्या होता है, तो उसी समय हम ये भी बात बताए थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है या फिर कोई भी जनरल चार्ज है तो वो अपने 3D स्पेस में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है। हम लोगों ने ये सीखा था। अगर अभी हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर एक हवा में स्पेस में अगर एक पॉइंट चार्ज लेते तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर इधर 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 3D मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का वैल्यू हम लोग जानते थे कि Q/R² आता था, है ना। तो अगर हम उसको थोड़ा बुकिस तरीके से समझना चाहते हैं कि बुक में कैसे समझाया गया है, तो हम उसके हिसाब से समझना चाहते हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है, और हम ये बताए थे कूलम्ब लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर ही वैलिड है, ये भी एक इशू है पॉइंट कूलम्ब लॉ के साथ में। तो एक पॉइंट चार्ज है, ये बड़ा चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज है मतलब बहुत छोटा चार्ज है डायमेंशनली, है ना। खैर, इससे हम अगर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कोई क्यू नॉट चार्ज को रख लेते हैं किसी r डिस्टेंस पर, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का वैल्यू क्या लगेगा, k इसका चार्ज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर, है ना। r² आ जाएगा इसका फोर्स। k का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 q0/r² आ जाएगा ये फोर्स। और अगर दोनों सिमिलर चार्ज है, चार्ज मतलब सिमिलर टाइप के हैं, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि ये प्लस चार्ज इस वाले के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, इसने भी इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगाने हैं। ये सब हम लोग जानते थे ना। चलो ठीक है, फोर्स का वैल्यू जान रहे हैं यहां पर से। अगर हम कहें कि इससे हम यहां पर है ना, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो गया इस फोर्स का वैल्यू, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगर हम यहां पर प्लस में 10 कूलम्ब का चार्ज रख दे तब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, के इसका Q/R² × 10 आ जाएगा ना। अगर हम उसी तरह से कहें कि इससे वही r डिस्टेंस है ना, वही सेम r डिस्टेंस, एक स्फेयर टाइप का हम एक रीजन ले लेते हैं, और r डिस्टेंस पर अगर हम कोई एक माइनस में 20 कूलम्ब का चार्ज रख देते हैं, माइनस 20 कूलम्ब का चार्ज, तो यहां पर ये रिपल्सिव फोर्स था, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स इस बार क्या जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 20 आएगा, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि चार्ज का मूवमेंट इधर की तरफ आएगा। यहां पर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम यहां पर कहें, यहां पर अगर हम प्लस में 1 कूलम्ब का चार्ज रख देते हैं तब फोर्स का वैल्यू क्या जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा, है ना, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो कहोगे भाई ये ऐसा काहे लिख रहे हैं आप, तो हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक चीज दिख रहा है, वो ये KQ upon R square। तो हम इसी चीज को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट एनी पॉइंट R, इज दैट ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट एनी पॉइंट R, है ना। तो इसी को बोल रहे हैं E, तो E हो गया ये, है ना, तो फोर्स, इज दैट ओके। तो हम यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर क्या, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय एनी पॉइंट चार्ज, ये फोर्स है ना, फोर्स वाला क्या, एनी पॉइंट चार्ज ने फोर्स अप्लाई किया है किस पर, एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। देखो तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, आ रही बात समझे, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एनी पॉइंट चार्ज टू एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इज दैट ओके, यही हो गया, समझ में आया बात। इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एनी पॉइंट चार्ज टू एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगा है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा तब, यहां पर से
अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो E बराबर तब क्या बनेगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फॉर एनी चार्ज के लिए बात करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा क्यू नॉट इन टू, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब देखो यहां से सॉरी ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हैं। ई के जगह पे फोर्स अपॉन क्यू नॉट लिखेंगे, अगर वेक्टर ही लिखना पड़ेगा फिर वेक्टर से लिख लेंगे क्योंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसके यूनिट के ऊपर बात करेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलंब हो जाएगा ना, न्यूटन पर कूलंब, कोई दिक्कत है। और इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, देख लो न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू और कूलंब आई टी है ना, कूलंब का बताया तो सिर्फ आई टी होता है ना, आई और टी है ना, करेंट इनटू टाइम। तो टी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में जाकर के हो जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस टू है और ऊपर भी ये पावर ऊपर जाएगा तो यह माइनस में थ्री हो जाएगा और आई पर भी इनवर्स आ जाएगा है ना। ये हो गया इसका डायमेंशन, कोई दिक्कत है। और कुछ कुछ बात लिख सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टी 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 क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सेकेंड लेक्चर में, नहीं देखे हो तो भाई पहले जाकर के देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसमें ये सब बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बस ये कॉपी में लिखने के लिए एक छोटा सा हो गया कि हम इस तरह से लिख देते हैं इसको है ना। चलो जल्दी से लिख लो, ठीक है अब आगे बात करेंगे एक बड़े से चार्ज के कारण है ना, जल्दी से जल्दी छापो इसको। अब एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, इतना बड़ा सा चार्ज है, बहुत बड़ा सा, और हम जानते हैं कूलम लॉ बड़े चार्ज पर अप्लाई नहीं कर सकते, कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कारण भाई यहां पर हमको एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है, इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, एक जो भी चार्ज है इसके ऊपर में, हम एक काम करते हैं इसका छोटा छोटा सेक्शन काट लेते हैं, छोटा छोटा सेक्शन काट लेते हैं और इसका चार्ज का नाम देते हैं डी क्यू, बहुत छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज बन गया। अब ये अब इसके कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर निकाल लेंगे, उसका हो जाएगा वैल्यू डी, छोटे से चार्ज है यार हम, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनेगा। ऐसा ही बहुत सारा छोटा छोटा चार्ज बना सकते हैं, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी इधर 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 करके, तो सबको अगर हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जिसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है जी, बस सिंपल से बात है, हर एक चार्ज के कारण निकाल लो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सबका वेक्टर एडिशन कर दो, वेक्टर एडिशन करके यहां पर निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, काम बन गया हमारा, उसी को कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ना। कोई दिक्कत है, ये सब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप एक छोटा सा चीज लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसके पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसके पहले एक छोटा सा चीज पहले लिख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, इसको लिख लेते हैं लैम्डा से, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, चार्ज अपॉन लेंथ, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज अपॉन लेंथ का मतलब अगर मेरे पास अगर एक लाइन है और इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इस लाइन का लेंथ अगर एल मान लेते हैं और इसके ऊपर पूरा चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसके छोटे से सेक्शन जिसका लेंथ मान लेते हैं कि कुछ डीएक्स लेंथ है और इसका चार्ज का वैल्यू है डी क्यू, तो हम बोलेंगे चार्ज बाय लेंथ
बाय चार्ज बाय लेंथ, है ना। तो छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा लेंथ, तो ये क्या हो गया, छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा लेंथ dx हम मान के रखें। तो dq बराबर तब क्या हो जाएगा, सॉरी dq बराबर क्या बनेगा, लेमडा इंटू dx बन जाएगा यहां से, लेमडा इंटू dx। अब देखो इसका यूनिट क्या आ रहा है, लेमडा का चार्ज क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर, है ना, तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। और अगर इसका डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम बाय लेंथ, है ना। तो आई बेसिकली एल माइनस वन फिर टी, है ना, ऐसा बनाते हैं हम लोग, और आई है ना टी पर पावर क्या लगाएंगे, कोई फायदा तो है नहीं, यही बन गया इसका डायमेंशन, इज इट ओके। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये अगर कोई लाइन पर चार्ज रखा हुआ है तो इज दैट ओके, यहां से डी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा इनटू डी एक्स, छापो जल्दी से उसका आगे आगे तो दुनिया का हो। अगला है हमारा, सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं अगर कोई एक सीट है, है ना, चार्ज्ड सीट है, चार्ज का फॉयल है ना उस तरह का, तो इसका हम छोटा सेक्शन काट लेंगे जिसको हम कह देंगे dq चार्ज है, और इसका इसके पास एरिया होगा बेसिकली, है ना, इसका एरिया को हम कह देंगे dA। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, छोटे छोटे एरिया में जो चार्ज बनेगा हम उसको कह देंगे सिग्मा। सिग्मा क्या बनेगा यहां पर, छोटा छोटा चार्ज बाय छोटा छोटा एरिया। तो सिग्मा का सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा एरिया, यहां से dq इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा इंटू dA। समझ में आ गया बात। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो ये समझ में आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से अगर मेरे पास अगर कोई 3D शेप का कोई बॉडी है, 3D शेप का कोई बॉडी है, और इसका हमको छोटा सा वॉल्यूम काट लेते हैं जिसका वॉल्यूम को हम dV कह देते हैं, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो उसको कह देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो dq इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू dV, इज दैट ओके। और इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट देख लो, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, एकदम आसान हो गया, छाप लो। अब इसका यूज करेंगे आगे, अब स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक यही चार्ज रॉड है या लाइन चार्ज है, जिसका चार्ज कुछ क्यू दिया हुआ है और इसका लेंथ एल दिया हुआ है, और चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहां पर ज्यादा चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं, हर जगह जैसा चार्ज है वैसा ही सेम तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमको कह रहा है इस पूरे कारण यहां पर किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जिसका कि लेंथ मान लेते हैं कुछ यहां से तक कंडीशन ए दिया हुआ है, ठीक है, ए पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज का। अब पहला तो दिक्कत यही है कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत एक्सटेंडेड चार्ज है, यहां से यहां तक फैला हुआ चार्ज है, देख लो इस पूरे के कारण पूछ रहा है यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो क्या कर सकते हैं कि वही छोटा छोटा चार्ज तोड़ सकते हैं, और कुछ तो उपाय नहीं है ना, हमको एक हम एक काम कर लेते हैं, छोटा सा सेक्शन हम काट लेते हैं, और इसके कारण हम यहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसका चार्ज का नाम देते हैं dq, विड्थ हो गया इसका dx, और इसका लोकेशन इस p पॉइंट से x मान लेते हैं। तो
तो हम पहले भूल जाते हैं कि रॉड उड भी है, हम मानते हैं कि यही चार्ज है, इसे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, किधर की तरफ, उधर बनेगा, जिसका वैल्यू हम कह देंगे डीई। क्या बोल देंगे उसको? डीई। और हर एक छोटे छोटे जो सेक्शन बनेंगे, हर एक मान लेते हैं यहाँ पर एक सेक्शन काटते हैं, यहाँ एक सेक्शन काटते हैं, ऐसा बहुत सारा सेक्शन काट सकते हैं ना, और हर एक सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनेगा। ये वाला भी छोटा सा चार्ज क्या करेगा, उधर ही पुश करेगा उसको, यहां पर भी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां पर भी, है ना, हर एक सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनने वाला। तो सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके जोड़ देंगे, यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा काम बन गया। सबसे पहले बात तो यहीं पर लिखेंगे, लेट अ चार्ज्ड, चार्ज नहीं लिख रहे, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रॉड having charge q, ठीक है, of length l, ठीक है, we wish to find the electric field at point p, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो लेट कर लेते हैं डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, डी क्यू कह सकते हैं क्या, इस छोटे से चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डी उधर की तरफ आ रहा है, हम उसको ऐड कर लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी हो जाएगा। अब इंटीग्रल ऑफ डी, तो सबसे पहले डी क्या है वो निकाल लेते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के इसका चार्ज क्या है, डी क्यू है ना, अपॉन यहां से तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और डी क्यू क्या होता था, याद है डी क्यू, तो डी क्यू क्या होगा, हम ये काम कर सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं क्या, हम बोलेंगे भाई पूरा चार्ज है, पूरा लेंथ जो भी, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरा चार्ज पूरा लेंथ इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा लेंथ। यहां से अगर हम dq का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, q into dx upon l, ये हो गया dq। चलो हम डी की जगह पे लिखते हैं पहले k dq upon x का स्क्वायर, k और dq जब क्या लिख देंगे, q upon l into dx upon x का स्क्वायर। समझ में आ गया बात, अब x का लिमिट हमको लगाना है, x का लिमिट के बारे में बात करते हैं पहले। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम चार्ज को काटना कहां स्टार्ट करते हैं, यहां से, जहां से कि x का वैल्यू तब बनेगा, ये देखो इतना बड़ा लेंथ क्या a है ना, a, और ये चार्ज अगर हम यहां से बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा लेंथ क्या बनेगा, a प्लस में l बनेगा। फिर से देखो ये वाला जो चार्ज है सेक्शन, ये वाला चार्ज का लेंथ क्या बनेगा, a बनेगा, और फिर ये वाले का मान लेते यहां यहां तक का बात की, तो यहां से तक ना x हो जाएगा, ये बढ़ते 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 चार्ज यहां पहुंचेगा, तो यहां से तक का लेंथ क्या हो जाएगा, a प्लस में l हो जाएगा, यानी कि लिमिट स्टार्ट होगा a से लेकर के l प्लस में a तक में, है ना, तो ये हो गया लिमिट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो k तो कांस्टेंट था, q कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, क्योंकि k तो कांस्टेंट है ही, चार्ज तो भाई इसने गिवन था, l भी लेंथ ऑफ रॉड है, वो तो फिक्स है, तो हमारे पास क्या वेरिएबल था, x ही ना, तो अंदर में क्या बच गया, 1 अपॉन x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से आते a से लेकर के l प्लस में a तक, सॉल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस में 1 अपॉन x आता है, x का स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में 2 चढ़ जाएगा, और फिर x पे पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 होता है, उसी से हमने ये निकाल लिया, तो क्या बन गया, यहां से माइनस में ही रहते हैं, पहले के क्यू बाय एल लिख लेते हैं, और यहां हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन x a से लेकर के l प्लस में a तक। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, यहां से बनेगा के क्यू अपॉन एल है ना, और अपर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एल प्लस में ए, लेकिन माइनस में रहेगा, और फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस में ए हो जाएगा। तो बेसिकली पूरा जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एल प्लस में ए, दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड एट एनी पॉइंट पी। एक्सियल पॉइंट पर अभी हम निकाले हैं,
फिर से देख लो क्या क्या किया है हमने, क्या किया अभी अभी तो हम बहुत बेसिक सा काम किया, छोटा छोटा चार्ज तोड़े हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, और हर के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा है डी, और डी का वैल्यू ऑब्वियसली डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, तो इसलिए हमको सबको इंटीग्रेट करना पड़ा। इंटीग्रेशन उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो भाई पढ़ो, है ना, बुक में से कहीं से भी एनसीईआरटी की बुक है अभी निकाल लो, सेकेंड पार्ट में है, वहां से थोड़ा देख लो बेसिक चीजें हैं, या फिर इलेवेंथ में से तो किए ही होगे भाई, इतना छोटा काम इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दिया हमें, ये आ गया, कोई दिक्कत है, कॉपी करो जल्दी से। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड एट एनी जनरल पॉइंट। अभी हम लोगों ने रॉड ऐसे लिया था, उसे हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अब हम रॉड को ऐसे लेंगे और यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी जगह पे यहां पर निकालेंगे, यहां निकालेंगे, किसी भी जगह पे, ठीक है, तो वो इसलिए लिखा है किसी जनरल पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक रॉड है कुछ इस तरह से, है ना, हम रॉड को पहले यहां पर दिखा दे रहे हैं कि रॉड है कैसा, यही है हमारा रॉड, और हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां नहीं, हम थोड़ा यहीं पर बना देते हैं, जनरल पॉइंट है इसलिए यहां पर, ठीक है। मान लेते हैं रॉड से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आर है, रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आर है, और इसका ये जो इंड आ रहा है, इस इंड से इसका जो एंगल बन रहा है हम इसको कह देते हैं अल्फा, और इस इंड का एंगल बन रहा है ये हमारा हो गया बीटा। आर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया, और इस रॉड पे जो चार्ज है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है, हम कह रहे हैं पी पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। फिर सुन लो मेरी बात, क्या क्या दिया हुआ है, एक रॉड है जिसका की चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको लैम्डा गिवन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पी पॉइंट का हमको पता है, तो इस पॉइंट से इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, नीचे की तरफ जो बन रहा है एंगल वो बीटा है इस इंड तक का, ये तीन चार चीज हमको पता है। नहीं पता है तो भाई पता कर लो, याद रखना ये फोटो, नहीं तो बस बहुत कचरा हो जाएगा अभी, खास करके आज पूरा सेशन में यही चलेगा, ठीक है, थोड़ा तो ध्यान से देख लो। तो हम इसका ही निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, पता चल गया क्या क्या है यहां पर, अब उसी को थोड़ा इलाबोरेट तरीके से निकालना चाह रहे हैं। देखो यहां पर यही है हमारा रॉड, इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, तो हमको यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, वही पूरा का पूरा अगर रॉड में ही चार्ज है ना, इस पूरे रॉड में ही चार्ज है, इस बार इमेजिन करना है रॉड यही है, और रॉड में ही चार्ज है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा हमारा, हमको तो छोटा छोटा सेक्शन काटना पड़ेगा, इसलिए मान लेते हैं छोटा सेक्शन हम यहां से इतना बड़ा सा काट लेते हैं, छोटा सेक्शन काट लिए, और ये कोई वाई डिस्टेंस पर हम वाई एक्सिस की तरफ काटे हैं तो वाई डिस्टेंस बोल रहे हैं, और इसका विड्थ हम मान लेते हैं डी वाई है, इसका चार्ज का वैल्यू को हम डी क्यू कह देते हैं, और इसका जो लोकेशन आ रहा है ये कोई थीटा आ रहा है, समझ में आया बात कि नहीं आया, इस चार्ज से यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत है, और ये y हो गया, इसको हम r कह दे रहे हैं जो कि गिवन भी है, तो ये लेंथ कितना बनेगा, देखो तो y स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा क्या, और अगर हम इसको कह देते हैं कुछ l कह दे रहे हैं, मान लेते हैं l ही कह देते हैं, तो ये l आ जाएगा जिसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर y स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, उम्मीद करने की जरूरत ना पड़े। खैर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, एज्यूम करो कि रॉड नहीं है अब, सिर्फ यही चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, इसी लाइन के इधर की तरफ आएगा, इसी इस एक्शन इस तरफ आया ना, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसका वैल्यू हम कह देते हैं डी ई। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो चार्ज से उस पॉइंट को जो मिलाते हैं उधर के तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है। एक और काम कर सकते हैं, अब इस डी ई के दो सेक्शन बनेंगे, एक तो भाई ये थीटा अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा बनेगा, एक तो इधर बनेगा इसका नाम हो जाएगा डी का कॉस थीटा, इधर बनेगा हमारा डी का साइन थीटा। तो अगर जो हॉरिजॉन्टल इधर देखा जाए जो कि रॉड के परपेंडिकुलर वाला सेक्शन है, हम उसको कह सकते हैं इधर वाला, है ना,
ये हम इसको कर देते हैं डी एक्स कर सकते हैं क्या, छोटा सा सेक्शन है ना, इसको डी एक्स कर देते हैं और इसको कहते हैं डी वाई। तो देखो एक इस पॉइंट के कारण दो दो कंपोनेंट बन रहे हैं, इधर वाला भी और इधर वाला भी, है ना। तो हमको डी एक्स भी निकालना पड़ेगा और डी वाई भी निकालना पड़ेगा और उन सबको ऐड करना पड़ेगा, तब हमको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इज इट ओके। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में ई एक्स लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डी एक्स है, उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो डी एक्स को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो डी एक्स को जोड़ेंगे क्या बनेगा, के जो भी इसका चार्ज है डी क्यू, डी क्यू बराबर क्या लेमडा इंटू डी एक्स, सॉरी डी वाई, है ना, डी क्यू इक्वल क्या लेमडा इंटू डी वाई, तो के लेमडा इंटू डी वाई चार्ज लिखते के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो के लेमडा इंटू डी वाई बाय ये डिस्टेंस एल का होल स्क्वायर, के जोड़ना पड़ेगा हमको। अब एक चीज देखो यहां पर कि के लेमडा तो कॉन्स्टेंट है, तो यहां से अगर हम के और लेमडा निकाल लें तो बाहर आ गया, अंदर में बच गया डी वाई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन एल स्क्वायर, है ना, इस दोनों में हमको एक रिलेशन चाहिए होगा। चलो कुछ दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल पे तो काम चल नहीं सकता, है ना। देखो वाई भी वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज अगर हमारा यहां पर रहता तो वाई इतनी सका रहता, चार्ज इधर होता तो वाई निगेटिव हो जाता, ठीक है, तो वाई बदल रहा है। और अगर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो एल भी हर किसी पॉइंट के लिए अलग अलग होते जाएगा, यानी कि डी वाई और एल दोनों वेरिएबल है। तो हम सीखे हुए थे ट्राइंगल में जैसे ही तीन चार वेरिएबल घुसने लगे, सॉरी जैसे दो वेरिएबल है आर तो फिक्स ही है, तो हमको ट्राइंगल दिखे तो बस साइन कॉस टेन सब लगा देना है ना। तो पहले लगाते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस ये होता है, वाई अपॉन एल दोनों वेरिएबल है कोई काम का नहीं, साइन नहीं लगेगा, कॉस लगाते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस आर अपॉन एल, ठीक है, आर कांस्टेंट है तो हम यहां से एल निकाल सकते हैं, देखो आर सेक थीटा हो जाएगा यहां से, बढ़ेगा ना। और अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि वाई अपॉन आर आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आर टेन थीटा, लेकिन हमको y नहीं चाहिए था, हमको चाहिए डी वाई, इसलिए इसको डिफरेंशिएट भी कर देंगे, तो डिफरेंशिएट क्या जाएगा r tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा हो जाएगा। समझ में नहीं आया, फिर से देख लो, अगर एक ट्रायंगल में दो दो वेरिएबल दिख रहा हो तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा सब लगा लो और उस समय सबको रिप्लेस करो इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमने बस r तो फिक्स था इसलिए हमने l को हटा लिया, देखो sec थीटा के रूप में आ गया, y को भी रिप्लेस कर लेंगे थीटा के रूप में आ जाएगा, सबको पुट कर लेंगे, बस ये तो काम करना है, इतना ही तो जिंदगी है। k लैम्डा बाहर आ गया, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, k लैम्डा बाहर आ गया, dy के जगह पर लिख देते हैं r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन r sec थीटा, क्या बात है, ये तो कट गया जी, r से r खत्म, तो k लैम्डा बाहर आ गया, ठीक तो है, हाँ, तो अंदर में क्या बच गया, तो L का स्क्वायर था ना जी, तो R का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा sec थीटा sec थीटा पूरे खत्म हो गया, तो बचा क्या अंदर में, R ही ना बचा सिर्फ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, L है, L है, L है, L का स्क्वायर होगा, L का स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो R का स्क्वायर भी बचेगा, यहां से बचेगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R बचेगा इंटू d थीटा बचेगा। एक गड़बड़ क्या की है वो चीज देखो, EX में जोड़ना था जी, तो DEX में क्या है, DE cos थीटा है ना, तो DE का cos थीटा से कौन मल्टीप्लाई करेगा, भूत ऐसे काम चलेगा जी, इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा, देखो फिर से देखो, DE x को जोड़ रहे थे तो इसमें था DE का cos थीटा, तो हमने DE लिखा k q by r स्क्वायर को cos थीटा से कौन मल्टीप्लाई करेगा, है ना, इसलिए यहां पर गड़बड़ हो गया, फिर से देख लेते हैं, है ना, फिर से देख लेते हैं इसको, तो यहां से cos थीटा, तो dy का जगह पे क्या लिख देंगे,
आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आ रहा है। तो सेक स्क्वायर खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया, तो वन अपॉन आर तो बाहर आ गया, अंदर में बच गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब थीटा का वैल्यू के बारे में बात करते हैं, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम लोअर लिमिट में बात करें तो थीटा, अगर हम चार्ज को स्टार्ट करते हैं यहां से तोड़ना, तो चार्ज जब टूटेगा यहां से एंगल का वैल्यू क्या बनेगा, बीटा बनेगा, और जब चार्ज टूटते टूटते यहां पहुंचेगा तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा, है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा से लेकर के अल्फा तक। कॉस थीटा का क्या बनता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा होता है ना, कहां से कहां तक, बीटा से लेकर के अल्फा तक, लेकिन बीटा क्या हो रहा है, माइनस में एंगल अल्फा आ रहा है तो माइनस में बीटा हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पर से, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा माइनस में साइन माइनस में बीटा, तो यहां से हो गया के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा का वैल्यू हो जाता है साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये हो गया हमारा ई एक्स कॉम्पोनेंट। सिमिलरली अगर हम ई वाई सॉल्व करेंगे तो ये सब तो सेम आएगा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, लिमिट सेम लगाएंगे तो हमको फिर ई वाई मिलेगा। सिमिलरली लिख लेना है यहां पर, सिमिलरली ई वाई का वैल्यू आएगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा, देख लो फिर से कॉस बीटा माइनस में कॉस, याद रख लेना है भाई ये फॉर्मूला, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा। अब ये चीज कैसे है, पहले कॉपी कर लो फिर हम दिखाते भी, समराइज करते इसको। तो दो कंडीशन देखते हैं अभी तुरंत जो अभी सीखे हैं उसमें, कि एक रॉड हमारा ऐसे है और यहां पर अभी आर डिस्टेंस पर हमने अगर अल्फा एंगल लिया हुआ इधर, इधर ये बीटा एंगल लिया हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द रॉड, जिसको हम ई परपेंडिकुलर कह देंगे, जिसका वैल्यू आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, परपेंडिकुलर वाले में साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक ई जो पैरेलल आया था ये, इसके पैरेलल हम इसको ई पैरेलल कह रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है, के लैम्डा बाय आर और कॉस में देखो जिधर लिए हैं उधर का बीटा में से उधर का एंगल को घटा देंगे, तो यहां से कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा आ जाएगा। और यहीं पर अगर हम इस तरह का पिक्चर जो अभी बनाए थे उसमें थोड़ा सा मामला हम रिवर्स कर दे रहे हैं, हम यहां बना रहे हैं इस पॉइंट पर, और हम इसको कह रहे हैं अल्फा, इसको कह रहे हैं बीटा, यार हो गया। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम इधर दिखा रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू तो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। लेकिन एक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम इधर ले लिए गलती से, ई पैरेलल वाला गलती से हम इधर, हमको क्या पता किधर है, मान लेते इधर ले लिए, तो हम जब लिखेंगे इसमें के लैम्डा बाय आर लिखेंगे कॉस, जब इधर लेके इधर के एंगल में से इधर को घटाएंगे तो कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हम इसको लिखते हैं, कॉपी कर लो, किसको हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं, किसको हम पैरेलल कर रहे हैं, लैम्डा वगैरह समझ में आता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अब इसके कुछ केसेस पे बात करते हैं फटाफट, जल्दी से कॉपी करो। केस नंबर वन पे बात करते हैं, केस नंबर वन क्या कहता है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बात कर रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में बात कर रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक वायर है जो कि इधर की तरफ मान लेते हैं इंफिनिटी जा रहा है, और हम इस जगह पे यहां ये देखो तार जो है यहां से यहां तक जा रहा है, ये दोनों चार्ज्ड वायर है, सब पे चार्ज है, इसका लैम्डा दिया हुआ है, और हमको पूछ रहा है कि यहां पर बता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा आर डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो प्लस वाले कारण सारे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आना चाहिए, तो इसके एक कंपोनेंट बनना चाहिए इधर और एक कंपोनेंट बनना चाहिए इधर, हम इसको कर देते ई पैरेलल और इसको कर देते ई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर का पहले बात करते हैं, ई परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, है ना, ये ना था साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा बनता था। तो चलो अब बात करते हैं अल्फा और बीटा है कितना,
आर तो दिख रहा है ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो ये अगर मान लेते हैं यहाँ इतना सा का ही रॉड होता है, मान लेते इधर नहीं है इतना है, तो अल्फा इतना बनता ऐसे, ऐसे बन रहा होता ऐसे, लेकिन ये अभी और आगे है तो अल्फा और नीचे जाएगा। अगर ये खूब इन्फिनिटी इन्फिनिटी को रीच करेगा तो अल्फा किधर की तरफ रीच करेगा, अल्फा रीच करेगा 90 डिग्री को। अरे बस सुन, अल्फा रीच करेगा 90 डिग्री को इस साइड में, तो अल्फा तो 90 डिग्री हो गया। बीटा के बारे में बात करते हैं, बीटा कहां से बनता था, यहां से बनता था, जब इधर चार्ज ही नहीं तो बीटा है, बीटा जीरो हो गया, तो बीटा हो गया हमारा इस कंडीशन में जीरो। तो यहां से क्या बनेगा, के लैम्डा बाय आर, सॉरी आर साइन 90 डिग्री प्लस में साइन जीरो, और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, ई पे पावर रूट 75, जिसका वैल्यू आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। अरे वन होता है इसका जीरो होता है, के लैम्डा बाय आर ही बनेगा, इज इट ओके। अब बात करते हैं ई पैरेलल का, समझ में आ ही चुका है किसको क्या करते हैं, लिख देते के लैम्डा बाय आर कॉस, जिधर लिए उधर के एंगल में से इधर को घटाएंगे तो कॉस 0 डिग्री माइनस में कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ये होता है 0, तो यहां से बन गया के लैम्डा बाय आर। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बन गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर दो कंपोनेंट आ चुका है हमारे पास, देख लो ध्यान से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है और दोनों बराबर ही है, देख लो के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर इधर ही है, यानी कि 45 डिग्री पर कहीं ना कहीं हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय आर, ये बनेगा रूट टू के लैम्डा बाय आर। ठीक है, समझ में आ रहा है रूट टू क्यों, अरे इसका इसका रूट टू हो जाए ना, रूट टू के लैम्डा बाय आर, इतना आता होगा तुम लोग को। चलो ठीक है, केस नंबर टू पे बात करते हैं, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। अब ये था सेमी इनफाइनाइट, यानी इधर तो इनफाइनाइट था, यहां पर फिक्स्ड है, ये यहां तक इंड है, ये इंड हो चुका है यहां पर, है ना, लेकिन इस बार हम कह रहे हैं कि ये इधर भी इन्फिनिटी को रीच कर रहा है और इधर भी ये इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, और पूछ रहा है कि आप बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है किसी भी पॉइंट पर। तो पक्का है कि अब इधर जो अल्फा होगा ये भी 90 डिग्री को रीच करेगा, और जो बीटा होगा है ना, बीटा जो होगा वो भी तब इधर भी 90 डिग्री को रीच करेगा। ठीक है यहां तक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई, जो परपेंडिकुलर वाला बनेगा, वो तो बनेगा के लैम्डा बाय आर और साइन 90 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री, दोनों का दो हो जाएगा ना, तो यहां से बनेगा 2k लैम्डा बाय आर, तो 2 टाइम्स ऑफ k के जगह क्या ले सकते हैं 1/4πε0 और लैम्डा बाय आर, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा अपॉन 2πr0, ये हो गया ई परपेंडिकुलर, यानी कि इस रॉड के इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अभी, जो ई परपेंडिकुलर आ रहा है, और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इधर भी कॉस 90 डिग्री बनेगा, इधर भी कॉस 90 जीरो, तो ई पैरेलल इस कंडीशन में हो जाएगा जीरो। यानी कि एक इनफाइनाइट, अगर यही तार फिक्स रहता छोटा सा रहता तो अभी निकालेंगे सवाल तो करेंगे, लेकिन अगर इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ वाला है तो उसके कारण कितना बनेगा लैम्डा अपॉन 2πr0। ये सारे रिजल्ट याद रहने चाहिए, क्या बनता है इधर के लैम्डा बाय आर इस डायरेक्शन में, के लैम्डा बाय आर इस डायरेक्शन में, रूट टू के लैम्डा बाय आर इस डायरेक्शन में, और अगर इनफाइनाइट होता है तो लैम्डा अपॉन आर है ना, लैम्डा बाय 2πr0, ये याद रख लेना है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। चलो जल्दी से कॉपी करो। इन दोनों क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ पी पॉइंट पर, अब ये फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है ना, उसे अगर हम पी पॉइंट पर निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या कर सकते इसमें, हमको निकालना है अल्फा और बीटा। तो देखो ये इस इंड से इस इंड को मिला देंगे तो ये एंगल एक बनेगा, जिसको हम कह देंगे अच्छा ये दोनों बराबर है क्या, तो 45 डिग्री बनेगा ना ये, और इधर भी ये बराबर है, ये भी 45 डिग्री ही बनना चाहिए, और उसी तरह से इधर भी निकाल लेंगे अल्फा बीटा। अगर ये रूट थ्री और ए है तो परपेंडिकुलर का बेस क्या बनेगा, रूट थ्री बनेगा 10 में, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, और ये दोनों फिर से बराबर रहती है, 45 डिग्री आने वाला है। अब एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बनेगा है ना, एक मान लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा और एक इधर की तरफ मान लेते हैं ई पैरेलल बन रहा है, इधर में भी उसी तरह से मान लेते हैं ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ठीक है यहां तक,
चलो अब बनाते हैं पहला क्वेश्चन। हम पहले निकालते हैं E परपेंडिकुलर, तो क्या बनता था K लैम्डा बाय R, R के जगह पे क्या लिखेंगे A लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर A दिया हुआ है ना, और लिखेंगे साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है 90 यानी 45 डिग्री, अब प्लस में साइन 45 डिग्री, अल्फा और बीटा दोनों मिल गया तो सॉल्व कर लेंगे 1/√2 क्या, तो 2/√2 के लैम्डा अपॉन ए, समझ में आ गया बात, तो बेसिकली आ गया √2 के लैम्डा अपॉन ए, दैट्स योर आंसर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल में क्या बनेगा cos 45 cos 40 है, दोनों खत्म हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना, तो पुट कर ले क्या के लैम्डा अपॉन ए cos 45 डिग्री माइनस में cos 45 डिग्री, ये तो हो गया जीरो, यानी कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया जिसका वैल्यू आ चुका ये, ठीक है इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले में देखते हैं, अगर हम निकालेंगे E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर से क्या होगा K लैम्डा अपॉन A साइन 60 डिग्री प्लस में साइन 40 डिग्री है ना, तो सॉल्व तो कर लेना, सॉल्व हो ही जाएगा आराम से, अरे आता है ना, यू भी सॉल्व करके दिखाएं, K लैम्डा अपॉन A साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये 1/√2 हो गया, दैट्स योर आंसर। और अगर हम E पैरेलल की बात करेंगे तो K लैम्डा अपॉन A लिखेंगे और cos, अब देखो जिधर लिखे उसके एंगल माइनस में इसको, यानी cos 45 डिग्री माइनस में cos 60 डिग्री, तो क्या बन गया यहां से K लैम्डा अपॉन A cos 1/√2 माइनस में √3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, E नेट अगर हम निकालना चाहते हैं क्या लिखेंगे, E परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में है ना, तो वेक्टर प्लस में E पैरेलल वेक्टर लिख लेना, इसको y डायरेक्शन में माइनस में, इसको लिखना है प्लस में, ठीक है आई कैप, इज इट ओके, इजी सवाल था, कुछ तो है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, तीन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो तीन नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि इस बार रॉड जो है फाइनाइट लेंथ का तो है मगर इसके एंड पॉइंट यहां पर नहीं है, थोड़ा इधर है, ठीक है, तब आप कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, तब ध्यान समझना इसको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, हम पॉइंट्स को मिला लेते हैं पहले है ना, एंड पॉइंट के एंगल को मिला लेते हैं। अच्छा ये तो देखो ए बाय रूट थ्री है और ए है, अगर हम इसका एंगल को कितना बोलते हैं परपेंडिकुलर में बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर 1/√3 आ जाएगा, यानी क्या बनेगा हमारा 30 डिग्रीज, अरे बस उन्हें ये कितना बनेगा 30 डिग्री, और अगला जो रूट थ्री ए है ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा तो परपेंडिकुलर में बन जाएगा √3 यानी कि 60 डिग्री बनेगा, यहां से यहां तक एंगल कितना बन गया 60 डिग्रीज, अरे बस समझ में। तो अब जो सॉल्व करने से आएगा रिजल्ट, इसके लिए हमको चाहिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो इधर बनेगा और एक पैरेलल डायरेक्शन हम इधर मान लेते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर उधर और एक पैरेलल इधर मान लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं E परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, तो उसके लिए क्या लिखेंगे K लैम्डा बाय R के जगह पे A लिखेंगे, परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों एंगल को ऐड कर लेना होता है, लेकिन दो एंगल रहेगा तब ना, पहला देखो यहां दिक्कत क्या है, पहले तो इस एंड का एंगल कितना है 60 डिग्री है क्या, तो पहले लिखते हैं साइन 60 डिग्री प्लस में साइन बीटा क्या होता था, अभी याद करो कि अगर ऐसा रॉड होता था इस पॉइंट में बात करते थे अल्फा इधर का एंगल होता था बीटा इधर का, मतलब इस साइड से इधर की तरफ का एंगल होता था, लेकिन इस बार इस साइड से इधर नहीं दे करके इधर ही दे दिया है बीटा है ना, तो हम इसको समझ सकते हैं माइनस में थीटा, साइन माइनस 30 डिग्रीज, या तो ऐसे समझो या तो ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहां पर, मेस इतना सा रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल घटा देंगे तो भी काम कर सकते हैं, वही घटा ही दिए यहां पर, देख लो साइन माइनस में थीटा के वैल्यू माइनस साइन थीटा पीछे भी बताए थे अभी, तो साइन 60 का वैल्यू ये आ रहा है, तो K लैम्डा अपॉन A साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और माइनस में 1/√2 आ जाएगा, तो √3 - 1/√2 है ना, दैट्स योर E पैरेलल। और अगर हम E परपेंडिकुलर की बात करते हैं, परपेंडिकुलर में तो फिर K लैम्डा अपॉन A cos बनेगा, cos एक तरफ का तो हमको दिख रहा है, अच्छा किधर घटाते हैं इधर वाले को है ना, अगर हम इधर लिखे हैं इधर वाले एंगल को इधर से घटाएंगे, लेकिन इधर तो कोई एंगल ही नहीं बना, लेकिन हाँ इधर का इंड का जो एंगल बन रहा है वो इधर के एंगल का, फिर से देखो ये अल्फा था ये बीटा था, तो हमको बीटा में से अल्फा घटाना है, तो बीटा का एंगल इधर नहीं दे करके इधर दे दिया, तो वो भी एंगल माइनस में ही है ना, तो कॉस माइनस 30 डिग्री, अब माइनस में कॉस
60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कहानी बस इतना ही कि थीटा जो बीटा है वो माइनस है, बस उतना ही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो के लैम्डा अपॉन ए कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तीन फॉर्मूला याद कर लो बाबा, माइनस में थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस ही थीटा होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री सॉल्व कर लेना, आ जाएगा इसका आंसर, है ना, कोई दिक्कत, इजी था। अगले वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या कमाल हुआ है, इस वाले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, यहां से यहां तक का लेंथ ए दिया हुआ है, तो पहले तो ये लेंथ हमको निकालना पड़ेगा और आई थिंक ये लेंथ आ जाएगा ए बाय रूट, है ना, ए का कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री यानी हो जाए ए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाय टू, ए रूट थ्री बाय टू आ जाएगा यहां से कॉस 30 का वैल्यू, यानी कि ये परपेंडिकुलर लेंथ आ गया। बाकी अब देखो ये अगर 30 डिग्री है तो यहां से तक का एंगल अगर ये 30 डिग्री दिया है तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, एंगल दूसरी तरह से सेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह हम इसको सेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेना है इसको, है ना, एक हम सिर्फ परपेंडिकुलर वाला हम बना दे रहे हैं। तो के लैम्डा अपॉन आर बनेगा, आर की जगह क्या लिखेंगे ए रूट थ्री बाय टू, है ना, और साइन एंगल अल्फा कितना बन गया 60 डिग्री, अब प्लस साइन बीटा जो बनना था इधर वो अब इधर ही बन गया है तो वो हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री, सेम आ रहा है ना, सेम सब कुछ, बस आर के जगह पे या ए के जगह पे ये बन गया है, सेम सॉल्यूशन, सॉल्व कर लेना आंसर। चलो अगली तरफ बढ़ते हैं, चलो जी अभी चलो एक क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर, इस पे हम मान लेते हैं कि प्लस चार्ज रखे हैं, इस पर ही प्लस चार्ज रखा हुआ है रॉड पे, लेकिन इस पर माइनस चार्ज है और इस पर भी माइनस चार्ज है और इसका लेंथ दिया हुआ है ए लेंथ, स्क्वायर है पूरा का पूरा और सब पे है चार्ज डेंसिटी लैम्डा, पूछ रहा है पी पॉइंट जो मिड पॉइंट पर है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, समझ में आ गया पूरा सवाल, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालो। सबसे पहला नंबर में हम सबसे पहले इस छोटे से रॉड के कारण निकाल लेते हैं नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। पहला बात तो अगर इसमें ए दिया हुआ है और हमको पता है कि ये लेंथ कितना हो जाएगा ए बाय टू हो जाएगा, क्योंकि यहां से तक का लेंथ हो गया ए बाय टू, तो ये भी लेंथ हो गया ए बाय टू, यानी कि ये एंगल बन गया हमारा 45 डिग्री, इधर ही बन गया 45 डिग्री, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो इधर ही बनना है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो कॉस बीटा वाला यानी कि पैरेलल कंपोनेंट तो आएगा नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट आएगा, तो जो ई का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा होता था अभी पढ़े हैं, तो के लैम्डा बाय आर के जगह पे क्या लिखे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ए बाय टू है, यानी कि टू अपॉन ए हो जाएगा और साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो 2k lambda upon a sin 1/2 हो गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो k के जगह पे लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 ऊपर में 4 दिख ही रहा है lambda 4 pi epsilon 0 a into root 2 ये खत्म हो गया, lambda upon root 2 pi epsilon 0 into a हो गया e का वैल्यू, सिर्फ इस प्लस वाले कारण इधर की तरफ आएगा, अब देखना ध्यान से ये समझ में आ गया, सिर्फ इसके कारण हम निकाल दिए ई इधर की तरफ, इस प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, इसका वैल्यू ई दिख रहा है, तो इसके कारण किधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस प्लस वाले कारण फिर उधर की तरफ आएगा, माइनस वाले के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये भी बात याद रखना है, तो माइनस वाले के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ जाएगा ई, और इस माइनस वाले के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा इधर ही बनना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए 2e का रूट 2, है ना, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 2e का रूट 2, है ना, तो बेसिकली हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू ई, तो 2 रूट 2 ई रूट 2 पाई एप्सिलॉन 0 ए, रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया, तो 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0
ए दैट्स योर आंसर। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर दे जाओ। जो सवाल दिख रहा है अभी है ना, उसमें क्या दिख रहा है, यहां पर एक यहां प्लस लेमडा लिखा है यहां पर, लेकिन उससे ज्यादा यानी कि डबल लिनियर चार्ज डेंसिटी का यहां पर, इससे ज्यादा दो गुना चार्ज यहां पर है, उससे तीन गुना निगेटिव चार्ज यहां पर है, और इससे चार गुना पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, यानी कि इस तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं फटाफट, है ना। तो सबसे पहले तो हम समझ ही चुके हैं इसी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आता है, इसका वैल्यू ई हो गया, तो इस टू के कारण दो गुना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर की तरफ, तो बेसिकली हम कह देंगे टू ई इधर की तरफ आ जाएगा, इसी कारण फोर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आना चाहिए, तो फोर ई आना चाहिए इधर, और थ्री है तो थ्री टाइम्स इधर ही आ जाएगा, इसका थ्री ई इधर आएगा। अरे बस समझ में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पी पॉइंट पर देखा जाए तो किधर की तरफ आएगा, तो टू ई में से एक ई खत्म हो जाएगा, तो एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इधर हो जाएगा आई थिंक सेवन ई हो जाएगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होना चाहिए, तो ई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस में सेवन ई का होल स्क्वायर, यानी कि 49 और 150 हो गया, है ना। तो बेसिकली रूट ओवर 50 ई स्क्वायर, और 50 ई स्क्वायर क्या ले सकते हैं, ई यानी कि 5 ई रूट टू, 5 ई रूट टू हो गया यहां से। तो बेसिकली सॉल्व कर लेंगे तो 5 रूट टू, और ई क्या था, ई परपेंडिकुलर था इधर का, तो उसमें क्या लिखेंगे के लेमडा अपॉन आर, आर की जगह लिखेंगे ए बाई टू, और साइन 45 डिग्री अब प्लस साइन 45 डिग्री, अभी ना सीखे थे क्योंकि यहां से तक एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और यहां से तक लेंथ कितना है a by 2 है। आ रही बस समझ में, तो बस वही सब यूज कर लिए, यहां से बेसिकली आ गया हमारे पास tan root 2 1 upon 4 pi epsilon 0 into lambda, और यहां से आ गया 2 upon root 2, root 2 से root 2 खत्म हो गया, 2 2 2 2, तो बेसिकली हो गया 5 lambda upon pi epsilon 0, that's your answer in this direction, is it okay? Too easy question, आगे इधर बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें ये देखो ध्यान से, एक रॉड है जिसपे कि चार्ज दिया हुआ है हमको, लेकिन इस बार जो चार्ज लेमडा है वो सी एक्स है, यानी कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और इससे कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह भी पता है हमको। यहां पर कह रहा है कि एल जीरो पॉइंट पर, किसी की पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर ओरिजिन है, तो जैसे ही काउंट करेंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू जहां पर जीरो है वहां पर चार्ज नहीं है, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इस कारण से ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, छोटा छोटा चार्ज तोड़ेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो इस छोटे से चार्ज का वैल्यू मान लेते हैं किसी डिस्टेंस x पर, dx विड्थ का है ये, और इसने इस P पॉइंट को हम यहां हटा दे रहे हैं, इसने यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगाया होगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा dE, और मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी इधर का एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ जो बनेगा कंपोनेंट उसको कर देंगे dE का cos थीटा, इधर हो जाएगा हमारा dE का sin थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात। और इसने कहा दिया ये लेंथ l है, यानी अगर ये l जीरो तो ये लेंथ तो l हो गया, और ये अगर x है ये तो रूट ओवर l स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर आना ही चाहिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे y कंपोनेंट x कंपोनेंट का जोड़, यानी ex का लगे इंटीग्रल ऑफ dE sin थीटा का सम। तो dE के जगह पे क्या लिखेंगे, अगर हम dE के बारे में बात करेंगे तो dE क्या लेगा k q, इसका चार्ज को हम कर देते हैं डी क्यू, इसका वैल्यू क्या लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा, और लेमडा कितना है सी एक्स है, तो सी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा डी। तो डी के जगह क्या लिखेंगे के सी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर।
तो बेसिकली यहां से आ गया के सी बाहर आ जाएगा और अंदर में बच गया एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है भाई, ये सिंपल इंटीग्रेशन तो नहीं दिख रहा है, सॉल्व करना है तुम लोग को, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम वाई डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो डी का कॉस थीटा, सिंपल ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ तो है नहीं इसमें, हम बस मेथड सिखा रहे हैं कैसे काम करना है। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के सी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और कॉस थीटा के लिए लिखेंगे तो एल बाय इतना, एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको भी तो के सी बाहर आ जाएगा, इवन एल भी बाहर आ जाएगा, इसमें अंदर में हो जाएगा एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स, है ना, वही इसको मान लेते हैं कुछ, सॉल्व कर लेना, एक्स आ गया वाई आ गया सॉल्व हो गया, है ना, थोड़ी जल्दी से कॉपी करो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है अभी, ये 2015 में आया वो क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि एक हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी लेमडा चार्ज है, यहाँ पर भी लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है दोनों का दोनों, और इसके बीच में जस्ट बीच में है ना, जो पूरा लेंथ है यहां से तक का लेंथ 2a दिया है, हमने मान लेते हैं कि इसका बीच का लेंथ a है, बीच में पहली बार इसने q चार्ज रखा है और दूसरी बार माइनस में q चार्ज रखा है, पूछ रहा है किस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है और किस में स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है और सेकंड नंबर में SHM हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो सीधी बात है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM होगा, अगर अनस्टेबल होगा तो SHM तो होने वाला है नहीं, है ना, अपने मेन पोजिशन पर भी नहीं करेगा वापस घूम फिर करके, SHM होने का कंडीशन पता है ना, SHM के लिए क्या होता है कंडीशन, एक्सेलरेशन बराबर माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाता है, और ये तभी होता है जब वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा था, ना बॉडी अगर उधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग गया, फिर उसको मिन पोजीशन पे लेके चलाया, फिर इधर गया तो फिर उसको खींच करके लेके चलाया, यानी जा रहा था खींच के ला इधर आया खींच के ला, यानी कि जितना ज्यादा ज्यादा जाएगा उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा और मेन पोजीशन पाते ही वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका है, इसलिए रेस्ट में नहीं आकर के वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जैसे ही मेन पोजीशन इधर बढ़ा तो फिर फोर्स लग गया उसको सेंटर की तरफ, यानी कि मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है, यानी कि हर बार उसके वेलोसिटी के सॉरी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमको वहां पर एक फोर्स दिखता है जिसको कि हम लोग SHM कहते हैं। सवाल SHM का ही है और ये तभी होता है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, और इसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, उस सिस्टम को थोड़ा सा हिला करके वहां पर नेट फोर्स निकाल करके उसको एमए के बराबर करते हैं और फिर उसको कंपेयर कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर से, ही तो हमारा काम है। चलो देखते हैं यहां पर, तो जब एक डिस्टेंस पर हमने अगर मान लेते प्लस चार्ज को रखा, ठीक है, प्लस चार्ज को रखा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बीच में है तो प्लस वाले को ये वाला भी इधर धकेल रहा होगा, सॉरी ये वाला भी इधर धकेल रहा होगा, तो नेट तो कुछ मिलने वाला है नहीं इसको, लेकिन हम नहीं चाहते प्लस यहां पर बीच में रखें, हम चाहते हैं यहां पर रख दिए थोड़ा सा किसी एक्स डिस्टेंस आगे से, तो जब एक्स डिस्टेंस आगे पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कारण की तरह बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है अभी सीखे, लेमडा अपॉन 2πr0 है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है यहां पर, यानी कि जितना ज्यादा आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू सॉरी क्यू इनटू ई, है ना, फोर्स होता है क्यू इनटू ई, यानी कि अगर हम इसके कारण बात करेंगे तब इस पर जो फोर्स लगेगा वो हम कह देते हैं इसको F1, और इसके कारण जो फोर्स है इधर की तरफ लगेगा इसको हम कह देते हैं F2। अब बताओ कौन ज्यादा होगा, जब चार्ज इसके नजदीक में आ जाएगा तो ज्यादा फोर्स लगा देगा तो इधर की तरफ भागा देगा ये, यानी कि देखो यानी कि ये F2 बड़ा है और F1 छोटा है, इस चक्कर में क्या हुआ, अगर ये हम इसे कह देते मीन पोजीशन है, ये मीन
पोजीशन है ये, इस चक्कर में हमको साफ दिख रहा है कि F2 बड़ा है और F1 छोटा है, इसको फिर से इधर की तरफ लेके आएगा, और जब ये चार्ज अपने मीन पोजीशन में पहुंचेगा इस कारण इसके पास कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, और इस चक्कर में ये और आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो फिर ये वाला फोर्स डोमिनेंट करने लगेगा, फिर इसको फिर भेगेगा ऐसे, यानी कि ये पॉइंट से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर प्लस क्यू चार्ज हम इस पोजिशन पर रख रहे हैं तो हमको एस एच एम होता हुआ दिखेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत है? और अगर हम वहीं पर माइनस क्यू चार्ज रख देंगे तो क्या होगा? प्लस क्यू समझ में आ गया ना, अब माइनस क्यू चार्ज रखते हैं तब क्या होगा? माइनस वाले में जैसे इधर लेके जाएंगे ये प्लस वाला बोलेगा आ जाओ मेरे पास, खींच लेगा रे, एफ वन इस बाहर जो होगा ये एफ टू जो होगा ये हो जाएगा और एफ वन ये हो जाएगा, इज इट ओके? तो ये इसको और खींच लेगा, बोलेगा अच्छे तुम मेरे पास आ रहे हो चले आओ, अट्रैक्ट कर लेगा, इससे दूर भी है तो फोर्स कम ही लगा पाएगा, यानी कि माइनस क्यू के कारण अनस्टेबिलिटी आएगा, माइनस टू हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देगा, कोई दिक्कत है? ये सवाल था चेक करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन हम अभी चाहते हैं कि इसमें टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं, है ना? सवाल खत्म हो गया, समझ में आया ना? माइनस क्यू कारण अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इट डजंट परफॉर्म एस एच एम, प्लस के कारण हमारा एस एच एम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सवाल यहाँ तक खत्म हो जाता है जेई का, लेकिन हम चाहते हैं इसका टाइम पीरियड निकालें, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं यहां पर से, यही था मीन पोजीशन ए, है ना? हम इसको क्या कह रहे हैं? मीन पोजीशन। तो जब ये ए पॉइंट पर है हमारा कोई क्यू चार्ज, तो जब हम इसको थोड़ा सा आगे बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट से आगे पहुंचा देंगे यहां पर, तब क्या होगा? ये क्या करेगा? इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इसको हम कह देंगे एफ वन, और ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ एफ टू, क्योंकि वो ज्यादा होगा। इस चक्कर में इस वाले चार्ज का मोशन इधर की तरफ हो जाएगा, तो इस बार क्या कहेंगे? एफ नेट जो होगा वो तो मास इंटू एक्सलेशन होता है, तो मास इंटू एक्सलेशन क्या हो जाएगा? फोर्स एफ टू माइनस में एफ वन हो जाना चाहिए, बड़ा में से छोटा बड़ा छोटा वाला घटा देंगे, एफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ टू क्यू ई, है ना? तो क्यू ई दोनों में क्यू आएगा ही, तो हम इसको ले लेते ई टू माइनस में ई वन, है ना? क्यू ई टू के जगह पे क्या लिखेंगे? लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो। अब ई टू किसने लगा दिया? एन लगा था ना, तो अच्छा बताओ यहां से तक लेंथ क्या बनेगा? तब ए माइनस में एक्स बनेगा क्या? और यहां से तक लेंथ क्या बनेगा? ए प्लस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है। तो लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो, ना एप्सिलॉन जीरो इंटू ए प्लस में एक्स, ए माइनस में एक्स लिख लेते हैं ना, इस वाले कंडीशन में बन गया। अब माइनस में लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो ए प्लस में एक्स हो जाएगा इस कंडीशन में। तो अगर हम कॉमन निकाल ले तो वो क्यू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो बाहर दिख रहा है, बाकी तो अंदर में यही दिख रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा, यहाँ पर ए प्लस में एक्स माइनस में ए प्लस में एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। x हम जानते हैं कि बहुत छोटा लिए थे, ऐसे x का स्क्वायर अप्रोच करेगा जीरो को, हम इसको जीरो मान लेते हैं, इज इट ओके? तो यहां से क्या बना? q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो a स्क्वायर और ऊपर में हो गया 2x, 2 से 2 भी खत्म हो गया, यहां से m a आ गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दिख रहा है? q लैम्डा अपॉन m पाई एप्सिलॉन जीरो a स्क्वायर इनटू x दिख रहा है। ये कंपेयर करो ओमेगा स्क्वायर से, तो ये है ना ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टाइप का, तो हम यहां से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्यू लैम्डा अपॉन एम पाई एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है? टू पाई रूट ओवर एम पाई एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर अपॉन क्यू लैम्डा, दैट्स योर टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटिंग चार्ज एट मीन पोजिशन इफ यू डिस्टर्ब इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इज इट ओके? समझ में आ गया? दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है? नेक्स्ट डे मिलते हैं सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी डिस्कशन हो सकता था हम इस लेक्चर में कर दिए हैं, अब कुछ अब इसके ऊपर मिक्स आएंगे नेक्स्ट, यानी कि कल वाले वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में। जिन्होंने भी लेक्चर अभी से मिस किया है भाई, पहले से देखो शुरू से, पूरा अच्छा समझ में आना चाहिए, तभी ये सब चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है।
थोड़े मैथमेटिक्स हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन है, उसको डील करना है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करना तो हम रोज गाते हैं, है ना। तो बाकी सवाल नहीं पूछते यार तुम लोग, थोड़ा सवाल वाल पूछो, थोड़ा मजा भी आएगा। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ यार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग लाइक करो, थोड़ा वीडियो देखते हो थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी करो। बाय, मिलते हैं, बहुत हो गया, पास आना चाहिए।